बेस्ट टॉपिक इस डेसिमल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि डेसिमल एड्स बहुत ज़्यादा मतलब क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हम इसे ऐड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। तो चलिए आज के बाद नहीं होगा, उसे देखते हैं डेसिमल एड्स कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए हम एक कैलकुलेट करते हैं, एक मान लीजिए 7 ले लिए, 0.7 ले लिए, कुछ इसी तरह नंबर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 0.227 ले लिए, है ना, कुछ और ले लेते हैं मान लीजिए 23.07, या फिर और कुछ ले यहाँ पे ले लेते हैं जनरली 7.777, ठीक है, इसे ऐड करते हैं। अगर हम इसे ऐड कर लिए मतलब हमसे ऐड आने लग गया। चलिए देखते हैं इसे मतलब इसे शो कैसे करते हैं ऐड के लिए। तो देखिए 7 है, ठीक है, हमने आपसे पहले लास्ट वीडियो कई वीडियो में आपसे बोला कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में डेसिमल ज़रूर होता है, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो। देखिए इनमें सभी में डेसिमल है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये समझ जाइए कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। लाइक दैट अगर हम कोई बोले 2334, तो इसमें डेसिमल कहाँ है, तो हमेशा लास्ट पे होता है। तो देखिए यहाँ 7 है तो 7 के लास्ट में ज़रूर डेसिमल होगा, क्लियर, और इसे ऐसा करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात, आपको लिखने का रूल्स आपको बता देते हैं, डेसिमल को आप कैसे लिखेंगे। डेसिमल जहाँ होता है वो आपका सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट, मान लीजिए आप इसे सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब जब आप इधर के नंबर्स को लिखेंगे तो याद रहिएगा कि आप जिस एरो में हमने बनाया उसी एरो से आप स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से स्टार्ट करिए। जैसे कि एग्जांपल पे हम आपसे बात करें, जैसे यही लिखा हुआ है 2334.23, अब मान लीजिए हम इसे इसी में ऐड करना है तो हम डेसिमल से बैक साइड से ऐसे लिखते जाएंगे आगे की ओर, ठीक है। और जब हम इस साइड लिखेंगे तो आप इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये है डेसिमल ऐड सब्ट्रैक्ट करने का रूल्स, मतलब डेसिमल से आप इधर लिखना स्टार्ट करेंगे यानी 1, 10, 100, और जब इधर से जाएंगे तो 10th, 100th, 1000th ऐसे लिखते जाएंगे, क्लियर। तो जैसे मान लीजिए इसको भी हमें ऐड करना, तो चलिए 7 के बाद हम इसे ही ऐड कर रहे हैं, तो डेसिमल ज़रूर लिख लीजिए। फिर पॉइंट की तरफ देखिए, 4 है, पहले 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, ये हो गया। अब मान लीजिए इधर देखिए तो 2, 3 है, तो 2, 3 आप लिखिए, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे नहीं है तो हम इसका कंपेयर करने के लिए हम इसे थोड़ा सा खिसका दें, नो, वहीं पे लिखिए जहाँ पे है। आप एक ही नंबर्स को एक अपने तरीके से बिल्कुल नहीं मत बनाइए, जैसा रूल्स है वैसे करने दीजिए। अब जैसे 0.7 तो आप डेसिमल पहले लिखिए, फिर देखिए फर्स्ट में 0 है, 0 लिख दीजिए, बैक साइड 7 है तो यहीं पे 7, ये नहीं कि इसे कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ कर दें, नो, वहीं पे लिखिए। देखिए नेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पॉइंट इधर 0 है, 0 लिख दीजिए, यहाँ पे आपका 2, सबसे पहले देखिए 2 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, लिखते जाइए, फिर 7 दिख रहा है तो 7 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए 23 को यहाँ पे कर देते हैं कि इसके फ्रंट पे आ जाए, नो, आपको कंपेयर करना ही नहीं है, जो जैसा है वैसे लिखते जाएँ। जैसे इसे करना है तो देखिए पॉइंट है, ये डेसिमल हो गया, 3 तो 3 लिख दीजिए, फिर 2, फिर 2 लिख दीजिए, पॉइंट की इधर देखिए 0.7 है तो आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे है वैसे लिखते जाइए। फिर देखिए 7.777, तो ये डेसिमल 7, 7, 7, ये 7, ठीक है। अब थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा ये, लेकिन यही आपका सही स्टेप है। अब इसे आप अगर सही लिखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको अजीब टाइप में लिख लग रहा है, तो आप जहाँ जहाँ आपको गैप दिख रहा है वहाँ 0 लिख दीजिए। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको अजीब बेढंगा टाइप में लग रहा है, तो आप 0 से इसे कवर कर दीजिए सभी को, ठीक है, तो आपका तो सेटअप सही हो जाएगा कि हाँ अब हमें अच्छा लग रहा है सर, ये हो गया। अब आप इसे ऐड कर दीजिए और यही आपका ऐड रूल्स है, क्लियर। अब चलिए आपको एक्सरसाइज, क्लास 7 का एक्सरसाइज, क्योंकि ऐड करते तो आपसे जनरली आ जाएगा, आप इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। हम कुछ एक्सरसाइज को भी क्लियर करते हैं, 7th क्लास, हम ML अग्रवाल, एक्सरसाइज 2.5 सॉरी। अब देखिए इसमें 12 नंबर है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर में 5 पॉइंट, तो आप डेसिमल बनाएं, जैसे हम फर्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए डेसिमल आप बनाएं, फिर 5 लिख दें क्योंकि फर्स्ट में है, फिर 7, 6, 5, फिर 9.2 है, आप डेसिमल बनाएं, उधर आपका 9 है,
और टू है तो यहाँ पे ही टू लिखें, यहाँ मत लिख दीजिएगा, स्टार्ट वहीं से करिएगा। फिर डेसिमल इधर देखिए थ्री है, थ्री लिख दीजिए, जीरो लिखिए, एट लिखिए। आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो तो सभी जगह आप ज़ीरो से कवर कर दें। अब इसे आप ऐड कर दें तो 5, 8, 6, 14, 1 रिमाइंडर 7, 2, 9, 1, 10, 1 रिमाइंडर 5, 9, 14, 3, 17 एंड 18, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। देखिए डेसिमल पहले आप करिए, 5, 5 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, फिर 4, 9 कर दीजिए। फिर डेसिमल सेकंड देखते हैं, 8.3 तो 8 पहले लिख लीजिए, फिर 3, 5, 7, 2 लिखते जाइए, कोई वो नहीं है, है ना, ठीक है। डेसिमल 0 इधर, 9, 0, 3, फिर नेक्स्ट पॉइंट 7 इधर है देखिए, फिर बाद में 8 है, ठीक है। इसी को आपको ऐड करना है, आपको अगर इसे कंप्लीट करना है तो आप सब जगह 0 कर दीजिए, जिससे आपका कवर दिखे। यहाँ पे एक ही है तो और 0 कर दीजिए। अब आप ऐड कर लीजिए तो 2, 7, 3, 10, 1 रिमाइंडर 9, 5, 14, 1, 15, 1 रिमाइंडर और ये 10 हो जाएगा, तो 10, 8, 18, 18, 4, 22, 3, 25, 5, 2 रिमाइंडर एंड 8, 7, 15, 15, 5, 20, 22, 1, 2 रिमाइंडर 1, 2, 3, ये आपका आंसर आ गया। नाउ 13 नंबर, वर्कआउट द फॉलोइंग। अब जो आपको दिया हो वही हम करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में 72.53 -46.72, तो माइनस पे है, चलिए माइनस करते हैं। तो प्लस और माइनस में कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको लिखना वैसे ही है। तो डेसिमल 72 और ये 53, फिर डेसिमल 46 लिख दीजिए आप, 46, 6 पहले लिखेंगे, फिर 4, फिर पॉइंट 7, 8, 2। अब ये नहीं कि माइनस है तो सर क्या कवर कर सकते हैं, बिल्कुल आप ज़ीरो से ही कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आप करेंगे जो आप ऐड में किए हैं। तो 10 - 2, 8 एंड 12, 8, 4, 12 एंड 5 आपका हो जाएगा 14, 7, 7, 14 और यहाँ पे आपका 11 है, 11 तो 6, 5, 11 और ये 7 हो जाएगा 6, 6 - 4, 2। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए यहाँ पे 3 फॉर्म पे हैं, है ना, 3 नंबर्स, लेकिन 3 नंबर्स में यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और 2 माइनस पे है, यानी कुछ इस तरह का है। मान लीजिए प्लस 2 है, -3, -2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो हम क्यों ना माइनस माइनस कर लें पहले। तो माइनस माइनस क्या होता है याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस नंबर होते हैं, नंबर आपके प्लस हो जाएंगे और वो अपना साइन कंटिन्यू रखे रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो माइनस माइनस हम पहले कर लेते हैं, तो ये ऐड तो होंगे नंबर लेकिन अपना साइन रखेंगे और उसके बाद हम इसके साथ कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे दोनों को ऐड कर लेते हैं, सो निगेटिव पहले हम कर लेते हैं ना, निगेटिव नंबर सबसे पहले हम निगेटिव नंबर पे करते हैं। तो 5.43 साइन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस नंबर प्लस होंगे और उसके बाद आपका 8.8976, सो ये दोनों ऐड होंगे और लास्ट में हम साइन माइनस कर लेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं, अभी तो प्लस करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ भी ये आपका 7 हो गया। 9, 3, 12, 1 रिमाइंडर 8, 4, 12, 1, 13, 1 रिमाइंडर 8, 5, 13, 1, 14, तो ये आपका आ गया 14.3276। हमने आपसे बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन साथ में लेके चलता है। चलिए अब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो नाउ अब क्या करेंगे हम, 18.376 से इसे माइनस कर देंगे, 14.3276। अब यहाँ एक और ज़ीरो ले लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, 10 अब यहाँ पे माइनस करना है हमें, तो 10 - 6, 4, ये आपका हो जाएगा 5, 7, 8, 15 और ये आपका 6, 6 - 2, 4, 3 - 3, 0, 8 - 4, 4, ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए थर्ड भी सेम है जैसे अभी आपने सेकंड नंबर देखा, थर्ड में भी देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो क्यों ना हम थर्ड में भी निगेटिव प्लस कर लें, ठीक है, टेकिंग निगेटिव। तो निगेटिव इन दोनों का ऐड करना है क्योंकि माइनस माइनस वही कंडीशन होगी, और 6.234 ऐड कर लेते हैं, सो 8 4 12 वन रिमाइंडर, 3 4 7 2 9 9 6 15 ये आपका हो गया माइनस पे, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस नंबर होते हैं लेकिन अपना साइन माइनस लेके चलता है। अब नाउ क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 28.5 है, इससे इसे माइनस कर देते हैं 16.942। अब यहाँ कंप्लीट करने के लिए ज़ीरो कर लेते हैं, चलिए 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 आपका हो जाएगा 5, एंड 14 माइनस 9 9 5 14, और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6 1, और 2 माइनस 1 1, 11.558। सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 9 6 15 होगा क्योंकि 7 2 9 हुआ, 9 हमने यहाँ पे रिमाइंडर कर दिया, तो 9 6 15 है, तो यहाँ पे 15 है, सो 7 माइनस 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 12.558। नाउ फोर्थ नंबर, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस है, तो 2 प्लस हो गए और 2 माइनस के हो गए, तो क्यों ना पहले पॉजिटिव कर लें, इसमें हमें थर्ड 3 प्रोसेस करने पड़ेंगे, पहले प्लस प्लस को कर लेते हैं तो 8.2, और लास्ट में देखिए 2.67, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ज़ीरो करके, तो 7 6 2 8 8 2 10, चलिए प्लस के साथ तो हो गया, क्या हुआ 10.87। अब आते हैं निगेटिव पे, निगेटिव, तो निगेटिव में देखिए 4.56, इन दोनों में ये थोड़ा सा चेक है ना, दोनों माइनस माइनस तो प्लस ही होंगे, और नेक्स्ट में 0.7912, तो अभी तो प्लस ही करना है लेकिन हम यहाँ माइनस साइन पर एडवांस कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें माइनस पे ही आएगा, तो ये 2 1 9 6 15 वन रिमाइंडर, 7 5 12 1 13, एंड 5 5.3512। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये हुआ आपका फाइनल, ये क्या हुआ आपका फाइनल, तो प्लस आपका फर्स्ट पे क्योंकि आपका पॉजिटिव ग्रेटर है, और ये आपका स्मॉलेस्ट है 5.3512। कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ ज़ीरो कर लेंगे, चलिए माइनस करते हैं क्योंकि प्लस माइनस है, 10 माइनस 2 8 9 माइनस 1 8 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 3 5, और 10 माइनस 5 5, ये कैंसिल, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट नंबर एडेड टू, मतलब इस 3.56 में हम क्या ऐड करें कि हमें 13.016 मिल जाए, तो चलिए डेसिमल थोड़ी हटा के हम अपने से बात करें कि 3 में क्या ऐड कर दें, मान लीजिए ये 3.56 नहीं है 3 है, अपने से एक एग्जांपल लेते हैं, 3 में यहाँ क्या ऐड कर दें कि 8 हो जाए, तो आप बहुत आसानी से बोल देंगे सर 5 होगा, क्यों, छोटा सा नंबर पाए हैं तो जल्दी से बोल दिए, और डेसिमल में पाए तो नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों, थोड़ा सा अलग हो गया, तो मैथमेटिक्स समझते हैं इसे लिखते कैसे, हम जानते हैं 5 होगा लेकिन करते कैसे हैं, तो हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स, अब एक्स को स्टॉप कर दीजिए और 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब 8 माइनस 5 क्या हो गया, 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, यही प्रोसेस आप यहाँ पर कर लीजिए, भाई आपने यहाँ पर क्या किया एक्स, तो आप लिख दीजिए लेट एडेड बी इक्वल टू एक्स, अब इस नंबर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, भाई हम तो यहाँ इसमें एक्स ऐड कर रहे हैं, जैसे इसमें ऐड किए, चलिए एक्स ऐड किए तो रिजल्ट क्या मिला हमें 13.016, एक्स को स्टॉप कर देते हैं और इसे ट्रांसफ़र करते हैं जैसे इसमें किए, तो 13.016 माइनस 3.56, अब भाई दोनों के बीच माइनस है तो चलिए माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 13.016 से माइनस करेंगे 3.56, रूल्स वही रहेगा, 0 6 यहाँ आ गया और 6 5 11, एंड 9 माइनस 5 4, और ये आपका 2 हो जाएगा, तो 9 3 12,
सो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 9.456, ये आपका आंसर हुआ। हम मतलब क्या ऐड करेंगे, 9.456, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 13.016। चलिए इसी तरह सेकंड भी देख लेते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अब इसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम लगा है, ये ज़रूर देखिएगा, है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सही बच्चे इससे बहुत ज़्यादा नाखुश रहते हैं, जैसे आप छोटे क्लासों में पढ़ते हैं ना, फिफ्थ क्लास से 13 सब्ट्रैक्ट 13, मान लीजिए एग्जाम्पल है फ्रॉम 23, तो बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें बहुत ज़्यादा, कि इसे पहले लिखें फिर इससे माइनस करें। अरे तो फ्रॉम मतलब होता क्या है, फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब 23 से 13 को माइनस करो ना, यानी ये दिया हुआ है, इसका मीन्स ये है कि आप इससे इसको माइनस करो, बोला गया है सब्ट्रैक्ट माइनस करिए, लेकिन 13 से नहीं 23 से करिए, वही है फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम मतलब 30, यानी 30 पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट सब्ट्रैक्टेड बी, बी इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स से माइनस नहीं करना है, 30 से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए व्हाट नंबर, मान लीजिए वो नंबर क्या है, एक्स शुड बी, चलिए करते हैं, सब्ट्रैक्टेड किससे, फ्रॉम 30, तो 30 पहले होगा, माइनस एक्स आपका बैक साइड इज इक्वल टू 23.709। हमें x फाइंड करना है, अब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब कर दिया गया, ऊपर से माइनस भी है, तो एक काम करिए, आपको इजी मेथड बताते हैं, x को ही आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिससे ये प्लस हो जाएगा और आपको आसानी भी होगी, और 30 इधर ही है, आप एक काम करिए, यहाँ पे प्लस है, इसको उधर इधर ले आइए ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। x को इधर रहे, इधर ही रहे या फिर इधर रहे, उससे क्या मतलब है, हमको तो वैल्यू चाहिए ना, तो 30 में से माइनस करते हैं 23.709, वही बात आ गई, हमने आपसे बताया था कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, तो 10 माइनस 9 1 9 हो गया 9 हो गया, 9 माइनस 7 2.9 माइनस 3 6, और ये आपका कैंसिल, सो 6.291 ये आपका आंसर। नाउ थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द एक्सेस ऑफ 20.4 over 9.743। अब देखिए अगर क्वेश्चन एक्सेस मतलब होता आगे की ओर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 20.4 है जो, उससे हमें कितना क्या करना है, 9.74, तो श्योर है कि इससे माइनस की ओर जा रहा है, तो हमें इसमें से ये चेक करना है कि ये इससे कितना ओवर है, आगे की ओर है 20.4, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट एक्सेस बी इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्लियर है कि 20 से आपका कम है ना, तो आप एक काम करिए 20.4 माइनस एक्स कर दीजिए, कि हम इसमें कितना माइनस कर दें कि हमें ये प्राप्त हो, सो 9.7403। अब ये क्वेश्चन बन गया सेकंड के जैसे, एक्स को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब यहाँ पे बचा 20.4 माइनस, इसे तो आप इधर ले आइए माइनस कर दीजिए 9.7403, सभी जगह जीरो कर लीजिए, माइनस 10 माइनस 3 7 9 9 माइनस 4 5, और ये 4 आपका 13, तो 7 6 13, ये आपका 9 ही रहेगा, तो 9 माइनस 9 0, और ये आपका 1, ये आपका आंसर आया, सो 10.6597। दिस एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।